ग्वालियर की दो अलग अलग सूचनाओं से जीआरपीएफ और आरपीएफ में हड़कंप मच गया है। एपी एक्सप्रेस ट्रेन में अलकायदा के आतंकी होने की सूचना, कर्नाटक एक्सप्रेस में बम लगे होने की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इधर स्लीपर कोच के टॉयलेट के पास धमकी भरे पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने जांच की है। हाथ से लिखे लेटर में लिखा था, आपने ट्रेन की स्पीड 70 से कम की तो ट्रेन उड़ जाएगी। तो हाथ से लिखा हुआ लेटर मिला पुलिस को, उसके बाद से ही लगातार टीम जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम, बीडीएस की टीम मौके पर मौजूद है। तो पुलिस जीआरपीएफ और आरपीएफ की टीम ने जांच की है। हाथ से लिखा हुआ लेटर है और कहा गया है ट्रेन, उसमें लिखा गया है कि ट्रेन की स्पीड अगर 70 से कम हुई तो ट्रेन उड़ जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, दो ट्रेनों की बात की जा रही है, आरपीएफ जीआरपीएफ और पुलिस की टीम लगी हुई है, क्या सूचना मिल रही है पुलिस को अभी तक, क्या सर्च कर पाई है टीम? बिल्कुल, दो बड़ी खबरें आरपीएफ और जीआरपीएफ को मिली। एक खबर थी एपी एक्सप्रेस में अलकायदा के आतंकी होने की, संदिग्ध लग रहा था, तो एक यात्री ने आरपीएफ को सूचना दी, जिसके बाद तस्दीक की गई, ग्वालियर में ट्रेन रोकी गई और पड़ताल की गई कि क्या ये शख्स अलकायदा का आतंकी है। लेकिन ये खबर झूठी थी और एक गलतफहमी का शिकार यात्री हुआ था। वहीं दूसरी जो घटना थी वो कर्नाटक एक्सप्रेस में घटित हुई, जहां पर एक धमकी भरी चिट्ठी कर्नाटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के S8 के टॉयलेट के पास एक लेटर मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि इस ट्रेन में हमने दो बम फिट किए हुए हैं, अगर आपने स्पीड 70 से कम की तो ये ट्रेन बम से उड़ जाएगी। इसके अलावा और तमाम बातें उसमें की गई थी, जिसके बाद मौके पर आगरा में आरपीएफ पहुंची और चिट्ठी को अपने कब्जे में लिया और जांच पड़ताल की गई। तो लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति इस मामले में सामने नहीं आया है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपीएफ दोनों ही इस पूरे मामले की विवेचना कर रही हैं और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी एक बार धमकी मिली थी और ये कहा गया था कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बम प्लांट किया गया है, लेकिन वो भी अफवाह थी, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में हालांकि अभी तक कोई आरोपी सामने नहीं आया है। किसकी शरारत है, क्या कुछ ये घटनाक्रम है, इस पूरे मामले की जांच जीआरपीएफ कर रही है। तो विजय जी, इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं कि ग्वालियर और आसपास के जो स्टेशन है वहां पर शरारती तत्व तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। चूंकि मामला अब 15 अगस्त नजदीक है और ऐसे में इस तरीके की धमकी मिलती है तो आरपीएफ और जीआरपीएफ की सतर्कता और अधिक बढ़ जाती है। हड़कंप भी इस घटना से मचा हुआ है। जी, नजर बनाए रखिएगा प्रहलाद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो दो अलग अलग सूचनाएं जीआरपीएफ और आरपीएफ को मिली, जिससे हड़कंप मचा। एपी एक्सप्रेस ट्रेन में अलकायदा के आतंकी होने की सूचना मिली, तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि कर्नाटक एक्सप्रेस में बम लगा हुआ है, अगर आपने ट्रेन की स्पीड 70 से कम की तो बम फट जाएगा।